हेलो दोस्तों, मैं हुआ मेरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिज़ाइन में। दोस्तों, मैंने ये जो घर डिज़ाइन किया है, जो कि देख सकते हैं आप, ये हमारे दो भाई के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डब्लू हाउस और ये है बी हाउस। उसके बाद यहाँ पे दोनों भाई का अलग अलग है, ओके। और यहाँ बीच से जो हमारा रास्ता होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया हमारा मेन गेट का डिज़ाइन, यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको इसका नक्शा भी दिखाता हूँ, और इसके बाद इसका मैं 3D एलिवेशन डिज़ाइन भी दिखाता हूँ। और ये हमारा 3D का फोटो है, ओके। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको इसका 3D एलिवेशन डिज़ाइन दिखाता हूँ पहले। तो ये हमारा 3D एलिवेशन डिज़ाइन, जो कि देख सकते हैं वहाँ पे बाउंड्री था, मैंने बाउंड्री हटा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक भाई के लिए यहाँ पे है, जो कि अलग से यहाँ पे देख सकते हैं मैन गेट है भैया। और आधा जो हो गया ये मतलब अलग अलग भाइयों के लिए हो गया। ये डब्लू हाउस अलग हो गया, बी हाउस अलग हो गया, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक एंट्री हमने यहाँ से दिया, और एक एंट्री यहाँ से दिया है। और इसका बालकनी का डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको इसका 3D में दिखाया था, इस जगह में देख सकते हैं। ये सारा हमारा डिज़ाइन सेम है, ओके। और उसके बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा रूम है, और यहाँ पे देख सकते हैं डाइनिंग हॉल रूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी। और चलिए, मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। ये हमारा 3D एलिवेशन डिज़ाइन हो गया। तो इसका नक्शा है हमारा दो भाइयों के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट फेसिंग घर है, ओके, ग्राउंड फ्लोर। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग हो गया, पहले हमारा कार पार्किंग, दो कार लगने के लिए। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से एक भाई का एंट्री होगा, बरंडा से होते हुए डायरेक्ट बेडरूम, उसके बाद किचन, एक लिविंग हॉल एंड डाइनिंग हॉल, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर बेडरूम हो गया, टॉयलेट यहाँ पे कॉमन हो गया, ओके। और यहाँ पे एक टॉयलेट होगा, जो कि यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लोर में बनाया सेम। और इस जगह पे कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, जो कटआउट देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, यहाँ पे घर बना हुआ है। और दूसरा भाई के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बरंडा, बेडरूम, बेडरूम से होते हुए, और एक बेडरूम से भी जा सकते हैं, एक बरंडा से भी, एक पूजा रूम जो कि पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया है, और एक किचन हो गया, ओके। और उसके बाद एक लिविंग हॉल, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं टॉयलेट और एक मास्टर बेडरूम। और हमने एंट्री यहाँ पे चार फीट का गेट दिया है, यहाँ से सीढ़ी, जो कि दोनों भाई यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से डाइनिंग हॉल से निकल करके, ये भी लिविंग हॉल से मतलब निकल करके डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और चलिए, मैं आपको इसका जो एरिया है, वो एरिया है 5481 प्लॉट डेट है, ये जो प्लॉट है हमारा वह 5481, और जो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन हमने किया है 2225 स्क्वायर फीट में, ओके। और फर्स्ट फ्लोर में देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 2534 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका, ईस्ट फेसिंग घर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ऊपर यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये अपने में चले जाएंगे, मतलब कि प्लॉट में, और ये अपने में चले जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमारा डाइनिंग हॉल, लिविंग हॉल सेम नीचे कैसा है, और यहाँ पे बेडरूम, एक ड्राइंग रूम हो गया, ओके। और एक बालकोनी सामने में, जो कि मैंने 3D में दिखाया था, इस जगह में हमारा बालकोनी हो जाएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी ड्राइंग रूम सेम हुआ, बेडरूम, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं डाइनिंग हॉल, किचन, लिविंग हॉल, टॉयलेट, मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम अटैच हो गया, एक बालकोनी भी हमारा और एक टॉयलेट, ओके। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह में भी एक बालकनी, एक टॉयलेट अटैच, एक मास्टर बेडरूम, एक कॉमन टॉयलेट, जो कि नीचे में जैसा सेम है। और ऊपर में हमने सिर्फ बालकनी का डिज़ाइन दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं सामने बालकनी, और इस एरिया में हमने डिज़ाइन किया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा 3D एलिवेशन डिज़ाइन है, ओके। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही बिल्डिंग लाता रहूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू।